Hi guys, welcome to another show और another session of Sawaal Showdown, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं about very very important NLU and काफी well established NLU है, काफी पुराना NLU है, right? Which is CNLU पटना, ठीक है? अब इस बारे में हम क्या बात करने वाले, CNLU के बारे में क्या बात करेंगे? अकाड हो गया, इंफ्रा हो गया, रैंकिंग हो गई, प्लेसमेंट्स हो गए, इन सारी चीजों पे अपन बात करने वाले हैं इन डिटेल, राइट? इंफ्रा अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और कुछ बेसिक डिटेल्स भी जो हमें पता होना चाहिए बिफोर जॉइनिंग एनी कॉलेज, राइट? उन सारी चीजों पे भी हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ। वेरी फर्स्ट थिंग जो ऑलरेडी आपको पता है, पहले वो बेसिक चीजें जो ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए या पता होगी। वेरी फर्स्ट थिंग इज अपना एस्टैब्लिशमेंट कब है सीएनएलयू का, दैट इज 2006। तो कंपेरेटिवली थोड़ा पुराना कॉलेज है, ये एक एडवांटेज की तरह काम करता है बिकॉज क्योंकि इतने साल हो गए तो इनका जो एल्यूमनाई होगा वो अलग अलग जगह प्लेस्ड होगा, राइट? तो ये एक एडवांटेज होता है। कॉलेज जितना नया होता है उतना प्रॉब्लम होता है टू द स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि अभी आपका बेस बना ही नहीं, उस कॉलेज का बेस ही नहीं, उस कॉलेज का एल्यूमनाई नहीं है, राइट? तो प्लेसमेंट्स में डेफिनेटली थोड़ा इश्यू होता ही है, राइट? जितना वो नया कॉलेज होता है। बट हाँ, क्योंकि पुराना कॉलेज है तो ये एक आपको एडवांटेज देता है कि ऑलरेडी जो आपके सीनियर्स होंगे, सुपर सीनियर्स होंगे, वो कहीं ना कहीं प्लेस्ड होंगे एंड डेफिनेटली वो एक एडवांटेज प्ले करेगा। सेकंड, लोकेशन आपको पता ही है, पटना बिहार, राइट? एडमिशन प्रोसेस क्लैट के थ्रू, एलिजिबिलिटी बहुत मिनिमम है, राइट? 10+2 जो आपकी क्लैट की एलिजिबिलिटी होती है, मिनिमम परसेंटेज जो आपको चाहिए दैट इज 45%, राइट? अगर आप जनरल ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के और 40% अगर आप एससी कैटेगरी के, तो अगेन बहुत मिनिमम है, तो आपको वैसे भी लाना ही पड़ता है, राइट? 12th में तो एज सच उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्सेज ऑफर्ड, ये अगेन इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या कोर्सेज मिलते हैं। तो एक हो गया हमारा बीए एलएलबी, एक बीबीए एलएलबी हो गया, एलएलएम पीएचडी ये एज ऑफ नाउ अपने लिए कंसर्न नहीं है। तो बीए एलएलबी बीबीए एलएलबी, अब इसमें बिल्कुल परेशान मत होना कि सर मैं तो बीए की तरफ ही जाना चाहता हूं, अगर मुझे बीबीए मिल रहा है तो क्या मैं जाऊं नहीं जाऊं, छोड़ दूं क्या कॉलेज? बिल्कुल नहीं। बीए हो या बीबीए हो, ये जो पूरा डिफरेंस क्रिएट करने वाला है, बहुत माइनर डिफरेंस है, वो सिर्फ शुरू के 2 साल रहता है, ठीक है? शुरू के 2 साल रहता है। 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर में आप सिर्फ लॉ के ही सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने बीए लिया हो बीबीए लिया हो, कोई बहुत डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, राइट? अब अगेन मेरा मन था कि मुझे बीए मिले बट मुझे तो सर बीबीए मिल रहा है, क्या छोड़ दूं? नहीं, डिफरेंस बस थोड़ा सा ये आएगा कि अगर आपने बीए चूज किया या बीए मिला है तो वहां पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस थोड़ा ज्यादा पढ़ना होगा, अकाउंट्स, मैनेजमेंट थोड़ा सा कम होगा, राइट? अब इसी का उल्टा हो जाता है बीबीए में कि वहां पर आपको मैनेजमेंट, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स ये थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, राइट? और वहीं पर आपकी जो सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस होता है उसका वेटेज कम होता है। तो आज सच कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 1st, 2nd ईयर में आपने कॉन्स्टिट्यूट पढ़ना ही है, कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ना ही है, ज्यादा जगहों पे ही होता है, राइट? तो आज सच कोई बहुत डिफरेंस क्रिएट करता नहीं, बहुत माइनर डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से कॉलेज छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है? इसके बाद डिप्लोमा कोर्सेज भी है, राइट? पीजी डिप्लोमा कोर्सेज जो आपको मिलते हैं साइबर लॉ में, ह्यूमन राइट्स में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में, राइट? फिलैंथ्रोफी में एंड सोशल सिक्योरिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चाइल्ड राइट्स में। अभी के लिए आज सच अपना कंसर्न नहीं है, अपना कंसर्न होना चाहिए अपन को यहाँ पर क्या कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, ठीक है? अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके डिसीजन मेकिंग में प्ले करेगा दैट इज कि इंफ्रा कैसा है यार, बिकॉज इंफ्रा डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। 5 साल के लिए आपका घर होने वाला है ये, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल आपकी लाइफ के 5 ईयर्स में, राइट? तो यहाँ का इंफ्रा कैसा है, यहाँ का हॉस्टल कैसा है, मतलब इंफ्रा में हॉस्टल भी इंक्लूड कर लो, हॉस्टल ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है इसमें डेफिनेटली और इंफ्रा भी करता है। तो यहाँ पे देखोगे जो एरिया है दैट इज 18 एकर्स ओनली, राइट? तो कंपेयर किया जाए बाकी एनएलयू से या काफी सारे एनएलयू से तो डेफिनेटली कम है, बट इसका एक रीजन है, ये छोटा है थोड़ा इसलिए है बिकॉज ये सिटी के बीच में है, सिटी के बीच में है तो इसके बहुत सारे फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये कि क्योंकि सिटी के बीच में इसलिए ज्यादा बड़ा होता नहीं है कॉलेज। आप इसको कंपेयर कर लो एनयूजीएस से, एनयूजीएस का कॉलेज भी सिटी के बीच में है, ठीक है? एनयूजीएस कोलकाता सिटी के बीच में है, इसलिए वो बहुत बड़ा नहीं है, कंपेरेटिवली वो छोटा है। आप उड़ीसा से कंपेयर करोगे, उड़ीसा इज अराउंड 65 एकर्स, 3 गुना 4 गुना लगभग ज्यादा है, बट इसलिए क्योंकि उड़ीसा का कॉलेज बाहर है, सेम गोज फॉर एनएलयू एज वेल, वो भी सिटी के बाहर है, ठीक है। तो अगर वो सिटी के बीच में होता है तो डेफिनेटली उसका एरिया कम होता है। फायदे बहुत सारे हैं, सब कुछ आराम से 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में आपको मिल जाएगा, राइट। मूवी देखने जाना है कहीं, यू वांट टू हैंग आउट, यू वांट टू गो आउट, बहुत आराम से इजिली हो जाता है, राइट। तो वो एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज भी है कि यार ऑब्वियसली एरिया कम होगा। जो हमारा कार्ड ब्लॉक है इट इज CNLU का, दैट इज वेल इक्विप्ड, राइट। इंपॉर्टेंट है ये भी कि यार वहां का इंफ्रा कैसा है, मतलब EC वगैरह लगे हुए कि नहीं। हाँ, ये जब तुम कॉलेज जाते हो ना तो इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। जब बहुत बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, राइट, और AC वगैरह नहीं हो, क्लासेस में AC वगैरह नहीं हो, लाइब्रेरी में, तो इश्यू फेस करते हो और एक परमानेंट इश्यू जाता है, बिकॉज वो आपको 2-3 महीने ना बहुत परेशान करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। CNLU की लाइब्रेरी अगेन इट्स अ वेरी गुड लाइब्रेरी, कंडीशनड है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप सुबह 9 से लेकर रात के 9 तक बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। अच्छा, इसमें क्लासेस भी होती है तो ऐसा नहीं कि तुम सुबह 9 बजे ही पहुंच जाओगे, बट हाँ, क्लासेस के बाद डेफिनेटली लाइब्रेरी जा सकते हो। अच्छा, स्टूडेंट से जो बात हुई है उसमें ये पता चला है कि इवन तो यहाँ पर 9 बजे लिखा है, बट हाँ, आप इवन 12 बजे तक, जब तक आपका कर्फ्यू टाइमिंग होता है ना, हर कॉलेज का कर्फ्यू टाइमिंग होता है, कर्फ्यू टाइमिंग के बाद आप जहां पर भी हो आपको अपने रूम पहुंचना होता है, हॉस्टल रूम पहुंचना होता है, राइट, उसको कर्फ्यू टाइमिंग बोलता है। तो कर्फ्यू टाइमिंग आई थिंक 12 बजे है CNLU का, तब तक आप लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि CNLU में क्रिकेट ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट है, जिम है, राइट। पढ़ाई एक तरफ है, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसके अलावा और चीजें भी इंपॉर्टेंट है कि मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना, जैसे पर्सनली मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना, राइट। कॉलेज में बहुत खेला है, अब डेफिनेटली कम हो गया, बट हाँ, क्रिकेट ग्राउंड है, इंपॉर्टेंट है। कुछ बहुत सारे लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, बहुत सारे फेस्ट में बास्केटबॉल एज अ स्पोर्ट होता है, क्रिकेट थोड़ा कम होता है, राइट। जिम, अब तो खैर न्यू ईयर भी चालू हो गया, बहुत सारे लोगों का रेजोल्यूशन होगा कि पूरे साल जिम जाऊंगा वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो जिम भी इंपॉर्टेंट है, तो हाँ, जिम है। अच्छा, डेफिनेटली तुम इसको अपनी सिटी के बहुत प्रीमियम जिम से कंपेयर नहीं कर सकते हो, राइट। बेसिक होगा, बेसिक एमिनिटीज होगी, राइट, जो आपको फिट रखने के लिए जरूरी है वो सब मिलेगा, बट हाँ, ये मत सोचना कि हाँ हमारी सिटी का जो सबसे अच्छा जिम है ना उस वैसा होना चाहिए, तो वो डेफिनेटली नहीं होगा, बिकॉज जिम इंपॉर्टेंट होगा बट ये उतनी प्रायोरिटी में नहीं जितना अकेडमी में। लेट अस बी वेरी फ्रैंक अबाउट दिस, है ना। तो ये तो होता ही है। ये कुछ पिक्स है जो CNLU के हैं, जो आप अच्छे से लिख सकते हो। इसके अलावा हॉस्टल एको, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तुम्हारा घर है 5 साल के लिए। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या एमिनिटीज मिल रही है आपको, यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। इंटरनेट बहुत जरूरी है भाई, प्रोजेक्ट बनाइएगा, बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, ये ठीक है। वाटर गीजर, R1 वाटर कूलर, अभिनव बस्सी का अगर वीडियो देखा होगा तो हॉस्टल में जो नाम करना था, हॉस्टल में जो उन्होंने वाटर कूलर फेंक दिया था, ठीक है, तो ये उस टाइप का वाटर कूलर भी है यहाँ पर। जिम है, जैसा मैंने बताया। कॉमन रूम्स होते हैं, कॉमन रूम्स इंडोर गेम्स के लिए, किसी को TT खेलना है, टेबल टेनिस खेलना है, राइट। 2023 में वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप देखना है, फीफा वर्ल्ड कप तो खैर हो गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, तो वो भी आगे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो तुम अपने कॉमन रूम में देखोगे। अलॉटमेंट जो होता है वो 1 साल के लिए होता है, और स्टूडेंट से बात करके पता चला कि टिल 3rd ईयर जो ऑक्यूपेंसी होती है वो डबल ऑक्यूपेंसी होती है, मतलब एक रूम में 2 लोग, ठीक है। इसके अलावा जो हॉस्टल का इंडोर आउटडोर टाइम होता है, ठीक है, वो 10 बजे है। कर्फ्यू टाइम हॉस्टल के अंदर, सॉरी कैंपस के अंदर जो होता है वो 12 बजे का है, बट हाँ, हॉस्टल के अंदर बाहर का टाइम होता है, मतलब बाहर नहीं जा सकते उसके बाद, अंदर नहीं आ पाते, वो टाइमिंग है 10 PM, ठीक है। वो चेंज भी किया जा सकता है, वो डेफिनेटली जो हॉस्टल अथॉरिटीज होती हैं, जो रजिस्ट्रार होते हैं, मतलब उन सबके उसमें आता है। जनरली आपका जो चीफ वार्डन होता है हॉस्टल का, उसके कंट्रोल में आता है। इसके अलावा जो आपके कोर मैनेजमेंट है, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। वाइस चांसलर जो है वो ऑनरेबल जस्टिस मिसेस मृदुला मिश्रा, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, ये लोग भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंपॉर्टेंट डिसीजंस यही लोग लेते हैं, मैनेजमेंट जो होता है, कोर मैनेजमेंट। अब तुम्हारे मन में ये जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये सब तो ठीक है, रैंकिंग बताओ ना, जाएं नहीं जाएं, कहाँ रैंकिंग है, कहाँ रखें, ये इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन किसकी रैंकिंग है, तो इंडिया टुडे 2021 की रैंकिंग थी 15 एंड कैरियर 360 की 2022 की रैंकिंग थी 17। तो 15-17 थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है वो, राइट क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉलेज और भी आ जाते हैं, जैसे एलेट हो गया, एलेट क्लैट में नहीं है बट हाँ एलेट का जो कॉलेज है दैट इज एनएलयू दिल्ली, वो डेफिनेटली इससे ऊपर आता है। जैसे और भी कॉलेज सिम भी आ जाता है, सिम भी पुणे, सिम भी नोएडा, वो आ जाता है। हाँ टोटल सीट्स अगेन एक इंपॉर्टेंट रेलिवेंट फैक्टर कि भाई सीट कितनी है ये तो बताओ। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीट 40% बोले तो 55 सीट्स है लगभग लगभग, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो जनरल में ही आते हैं उनके लिए है 14 सीट्स। एससीज ऑफ बिहार, एसटी ऑफ बिहार, यहाँ पर एक प्रश्न डेफिनेटली मैंने एफएक्यूज में भी बाद में दिया है कि क्या अगर मैं मतलब मैं एससी बिहार का नहीं हूं या एसटी बिहार का नहीं हूं तो क्या मुझे रिजर्वेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ एससी बिहार 16% दैट इज 22 सीट्स, और अगर आप एसटी कैटेगरी के हो, बिहार के ही हो, तो वहां पर एक सीट है आपके लिए। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो है उनके लिए 25 सीटें हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 17 सीट्स हैं, वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ बिहार इनके लिए 4 सीट है, टोटल अपना आता है 138। अगेन यहाँ पर ये आप देखोगे स्टेट कोटा अच्छा खासा स्टेट कोटा है, तो जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और फिर उसके बाद स्टेट कोटा आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि कट ऑफ क्या है, कहां तक मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारे क्वेश्चंस। तो हाँ 2020 में, 2021 में, 2022 में अपन यहाँ पर रैंक्स के हिसाब से दिखा है, ठीक है। इसमें तुम्हारे लिए स्कोर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। जैसे पहले 76 में मिल रहा था फिर 79 हो गया, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए रैंक्स कि कौन सी वो लास्ट रैंक थी जहां तक कॉलेज मिल गया था, क्योंकि अल्टीमेटली अच्छा जैसे अब 2023 का एग्जामिनेशन हो चुका है, आपको आपकी रैंक पता चल चुकी है, अभी अलॉटमेंट लिस्ट भी आ जाएगी, पहली अलॉटमेंट लिस्ट आई थिंक 18 से 22 के बीच में, राइट। तो वहां पर भी डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो गए कि और आप जानना भी चाहते हो कि अगर मेरी XYZ रैंक है तो मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा या मुझे होप करनी भी चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप रैंक्स को देखो, रैंक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कोर रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो EWS रैंक 2990 2020 की थी, 2022 की थी 2731, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंटली नीचे गिर गई थी और फिर अब थोड़ा सा नॉर्मल है, 2700 के अराउंड है। यहाँ पर याद ये इस मतलब इसको हमेशा ऐसे समझो कि जहां जिन कॉलेज की रैंक कम है या जिन कैटेगरीज की रैंक नहीं ऐसे सीट्स कम है, वहां पे वेरिएशन बहुत ज्यादा हो सकता है। अब अगर सीटें ही 2-3 है तो डेफिनेटली वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, बट अगर सीट ज्यादा है जैसे जनरल कैटेगरी की होती है, ईडब्ल्यूएस की भी कम होती है बट हाँ जैसे जनरल कैटेगरी के, तो वेरिएशन आज सच बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि पहले 1200 में मिल रहा था अब 500 में मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। वैसे एससी बिहार अब देखो यहाँ पर भी वेरिएशन हजारों में हो जाता है, सेम गोज विथ एसटी बिहार एज वेल। ये देखो पहले 15,000 था फिर 15,000 था, अब सीधा 29,950, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया। क्यों? क्योंकि सीटें कम है, सीटें कम है तो मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट, बहुत ज्यादा वेरिएशन वो हो सकता है। सेम गोज विथ ईबीएस एज वेल, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, वहां पर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज जो आपकी फीस है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि फीस कितनी लगती है। फॉर एन इंडियन स्टूडेंट इट इज 2,28,470, फॉर फॉरेन नेशनल्स इट इज 4,13,270। अच्छा इसमें मेस फी इंक्लूडेड नहीं होती है, मेस फी आप जनरली हॉस्टल में सबमिट करते हो, तो इसमें ये एक्सक्लूसिव है मेस फी के। मेस फी जनरली अलग ही लगती है, डिपेंड करता है आपका कौन सा कॉलेज है, 15-16 हजार पर सेमेस्टर के हिसाब से होती है वो, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज टू कॉलेज, ठीक है। तो ये फीस ध्यान रखना, राइट। 2,28,000 इफ यू आर इंडियन स्टूडेंट, अगर आप फॉरेन नेशनल है तो 4,13,000। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये अगेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट, कि पढ़ाई वगैरह तो ठीक है, उसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, बिकॉज मेरे इंटरेस्ट और भी चीजों में, जो कि डेफिनेटली होना चाहिए, राइट। CNLU CCI, ठीक है, मूट कंपटीशन हुआ था, राइट, 2022 में बड़ा मेजर इवेंट था। इसके अलावा CNLU जो नेशनल पार्लियामेंट्री डिबेट होते हैं, इससे बहुत माहौल बनता है, सीएनएलयू में, राइट, बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है इसको। जैसे बहुत सारे कॉलेज में होता है स्पोर्ट्स फेस्ट को लेकर, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन, ये जब तुम कॉलेज जाओगे तो पता चल जाएगा कि इन ऐसे कॉम्पिटिशन्स के एक महीने पहले क्या माहौल हो जाता है कि सब सारी कमिटीज एक्टिव हो जाती हैं, सब लोग अपना अपना काम चालू कर देते हैं। जो जिन कमिटीज का ये काम है, जैसे पार्लियामेंट्री डिबेट है तो आपकी जो डिबेटिंग सोसाइटी होगी वो एकदम से बहुत एक्टिव हो जाएगी, ठीक है, बहुत सारे लोग आप देखोगे इन कॉम्पिटिशन्स के अराउंड, राइट। तो ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा ये जो अपना फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, ये भी है, ठीक है। CNLU NSS सेल रेगुलरली ऑर्गेनाइज करता है यहाँ पर, ठीक है, कैसे प्रोग्राम्स अलग अलग तरीके के लॉन्च करता है, ठीक है, इनिशिएट करता है, जिसमें से कुछ है ब्लड डोनेशन कैंप, ट्री प्लांटेशन, ये अगेन ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर में आता है, बहुत सारे लोगों को गार्डनिंग वगैरह पसंद होती है, प्लांटेशन वगैरह करना पसंद होता है, राइट, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कुछ पिक्चर्स है ऑफ द मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन। इसके अलावा पार्लियामेंट्री डिबेट भी होता है, राइट, एक बहुत बड़ी एक्टिविटी वहां की मानी जाती है। इसके अलावा यस कमिटीज अगेन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी कमिटीज है। इसके अलावा प्लेसमेंट कमेटी, बेसिक कमिटीज कुछ होती है जो कुछ ही फंक्शन परफॉर्म करती है, वो भी है। अब बहुत लंबी लिस्ट है इसलिए हमने सारी कमिटीज नहीं लिखी है। सेम गोज फॉर सेल्स एज वेल, राइट, बहुत सारे सेल्स होते हैं, राइट, तो हमने सारे सेल्स सारी कमिटीज के बारे में नहीं लिखा बिकॉज वो बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। तो बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो जनरली मूड कोर्ट होता है, राइट, कॉलेज जाओगे मूड कोर्ट का एक अलग माहौल देखोगे। तो जो मूड सोसाइटी होती है या मूड कोर्ट कमिटी होती है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एक स्पोर्ट्स कमिटी होती है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है बिकॉज फेस्ट वगैरह आते हैं, इससे भी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जहां पर भी स्टूडेंट एंड मेस कमेटी है तो मेस कमेटी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है बिकॉज दिन में हमें 3 बार 4 बार खाना खाना है, तो भाई खाना कैसा बन रहा है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, राइट। तो एक वो कमेटी जो कि जिसको बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आती है बट फिर भी आ जाती है हॉस्टल के अंदर, राइट, कॉलेज में लाइमलाइट में नहीं होती है, हॉस्टल में बहुत लाइमलाइट में रहती है वो। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी लेकिन इंपॉर्टेंट कमेटी है, ठीक है। डिबेटिंग कमेटी जैसे मूड कोर्ट कमेटी है, डिबेटिंग कमेटी है, डिबेटिंग कमेटी अगेन जो मैंने आपको दिखाया था, पार्लियामेंट्री डिबेट पूरा माहौल ये रेगुलेट करते हैं, ठीक है, पूरा उसको ऑर्गेनाइज करवाना, फंडिंग, ब्रोशर्स, सब कुछ कौन कौन आएगा कहाँ रुकेगा सब कुछ ऑर्गेनाइज करवाना, ठीक है। वैसी सेल्स भी है, कैरियर डेवलपमेंट सेल, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, सीएनयू लीगल एड जनरली सारी एनएलयूज में है, राइट। लीगल एड कमिटी हो गई, लीगल एड सेल हो गया, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंटी रैगिंग सेल ये अगेन एक इंपॉर्टेंट सेल है बिकॉज तुम फर्स्ट ईयर में जाओगे तुम्हारे लिए जरूरी काम आएगा ये, ठीक है। एनएसएस सेल हो गया। तो ये कमिटीज हैं, क्लब्स हैं, सेल्स हैं जो तुम्हारे रेलेवेंस की है। इसके अलावा अगेन ये पूरी बातें करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे मन में आएगा क्या, प्लेसमेंट किस तरीके का है। तो जैसे कि बताया कि यहाँ पर क्योंकि एल्यूमनाई बेस है अच्छा खासा, 2006 का एस्टैब्लिशमेंट है तो एल्यूमनाई बेस अच्छा खासा है, तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट। 18-19 में 122 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए, 19-20 में 112 हुए, 20-21 में 138 हुए, ठीक है। ट्विन प्लेस्ड 11, 7, 5। अच्छा, इसमें ऐसे परेशान मत होना बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स चूज करते हैं प्लेसमेंट में नहीं बैठना भी, राइट, बिकॉज दे वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज और बिकॉज दे वांट टू गो फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, राइट, बिकॉज दे वांट टू गो फॉर यूपीएससी, मतलब इस तरह के एग्जामिनेशन जो होते हैं, राइट, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के लिए, उन सब के लिए भी जाते हैं, राइट, पीजी वगैरह करना चाहते हो, तो बहुत सारे लोग प्लेसमेंट में नहीं भी बैठते हैं, राइट। जैसे आप यहाँ पर नंबर देखोगे 16, 10, 1 हायर स्टडीज लेते हैं तो आप देखो नंबर कम है, राइट। मीडियन सैलरी इज 8.5 लाख पर एनम, ये सब कुछ पर एनम में है। 9 लाख हो गया, 760 हो गया। अच्छा, ये क्योंकि कोविड का टाइम था तो इसका भी थोड़ा इम्पैक्ट था ऑनेस्टली अगर बात की जाए तो, बिकॉज ये ऑलमोस्ट मतलब टॉप 2-3 एनएलयूज को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो एनएलयूज है उन्होंने जो कोविड का प्रॉब्लम था वो फेस करते ही है बिकॉज लॉ फर्म्स जो हो गई या कंपनीज जो हो गई, रिक्रूटमेंट क्रंच चल रहा था उस टाइम पे, राइट। तो अगर वो रिक्रूट कर भी रहे थे तो कम सैलरी पे कर रहे थे बिकॉज कोविड का टाइम ऐसा था कि बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी उस टाइम पे, ठीक है। नाउ सम एफएक्यूज रिगार्डिंग सीएनएलयू। तो पहला तो ये कि सर प्रेफरेंस में कहाँ रखें, तो देखो आप इसको 11-12 पोजीशन पे रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको लोकेशन कैसी लगती है, मतलब सिटी कैसी लगती है, जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो। बट ध्यान रखना इसको एकदम लास्ट में मत रखना। कॉलेज अच्छा है, सिर्फ इस वजह से मिस मत करना क्योंकि पटना में है, लेट्स से मैं तो जयपुर में रहता हूँ, मुझे बहुत दूर पड़ेगा वगैरह वगैरह, इस बेसिस पर डिसाइड मत करना, बिकॉज अल्टीमेटली 5 साल की बात है, ठीक है, एक बहुत क्रूशल टाइम है तुम्हारी लाइफ का। तो वो सिर्फ इस वजह से मत करना कि दूर है, 24 घंटे का रास्ता है, मम्मी पापा से दूर। मम्मी पापा से दूर एनीवेज रहना पड़ेगा अगर तुम्हें एनएलएस भी मिल रहा, तुम जयपुर में रहते हो तो, राइट। तो डिस्टेंस वाला फैक्टर जो है उस वजह से मैं किसी एक अच्छी कॉलेज को छोड़ दूं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। टिल विच रैंक, अच्छा इसके लिए वो था जो मैंने दिखाया था आपको रैंक का, किस रैंक पे क्या क्या मिलता है, कट ऑफ वगैरह, कट ऑफ एंड स्कोर्स, तो वहां पर ये आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो मन में आ सकता है वो है कि क्या रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं टू स्टूडेंट्स विच आर आउट ऑफ बिहार? नहीं, ठीक है, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। उसके अलावा जो पूरा कोटा था वो सिर्फ बिहार वालों का था, ठीक है, बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोटा है। तो आउट ऑफ बिहार अगर आप हो तो फिर वहां पर आप अनरिजर्व कैटेगरी में ही आओगे, राइट। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, इफ यू वांट यू कैन लुक इनटू इट, ठीक है। अगर कोई इश्यू है तो आप इनसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, राइट, इनसाइट्स मिली होंगी सीएनएलयू के बारे में, अगला कॉलेज कौन सा आप चाहते हैं जिस बारे में हम आपको बताएं। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।